यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री कमल अख्तर साहब हैं। कमल भाई, अभी चुनाव की डेट बढ़ी है, जो उपचुनाव होने थे, क्या कुछ कहना है? देखिए, जिस दिन ये चुनाव डिक्लेयर हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ मुरादाबाद में, अमरोहा में और बिजनौर में बड़ा गंगा मेला होता है, बड़ा पर्व है, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ इसी वजह से ये डेट बढ़ी है। और क्योंकि लोगों की डिमांड थी, जो यहाँ से हमारे जिला स्तर से और जिला स्तर से जो दिए गई थी कि चुनाव की जो तारीख है वो सेम जो गंगा मेला चलता होता उस टाइम है, तो उसके बाद अगर चुनाव कराया जाएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मेरा समझना ये है, इसी कारण से ये डेट बढ़ी है। कुंदरकी में उपचुनाव है, लगातार आपके जो यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं उन्हें अपनी वीडियो वायरल करनी पड़ रही है, कई गंभीर आरोप लगातार लगा रहे हैं, क्या कुछ प्रशासन में किस तरीके का माहौल है, क्या कुछ? देखिए, जो उम्मीदवार को लगता है, अब ये सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि आप अपनी बात जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो हो सकता है कि कहीं जनसभा नहीं की हो तो उन्होंने अपने जरिए से इस तरह से बात पहुंचाई है, तो जो लगता है उन्हें समस्याएं हैं, जिस तरह का प्रशासन का रवैया चल रहा है या जिस तरह का काम हो रहा है, तो सारी चीज़ों को जनता को अवगत कराया जा रहा है, क्योंकि कई स्तर पर ये अवगत कराया गया है कि लोगों से आईडी मांगी जा रही है, प्रत्याशी ने ये लोगों से आह्वान किया अपनी आईडी चुनाव तक ना दें। यूपी में लगातार उपचुनाव को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरीके से पार्टी को जिताना है, कमल भाई? देखिए, जहाँ तक सवाल है, आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम पे है, और जो सबसे बड़ी समस्या है, जो किसान का गन्ने की कीमतें हैं, वो पिछले 7 साल में जब से सरकार है वो एक ही बार बढ़ी है, ये पूरा गन्ना बेल्ट है, किसानों की समस्या है। अभी DAP खाद जो है लोगों को मिला नहीं, पूरा ब्लैक में मिला, ये समस्या है, यानी कि जनता का और समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो आज उत्पीड़ित नहीं है। हम उन उत्पीड़न की बात लेके जनता के बीच में जा रहे हैं, और जो इस भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं उनको लेके जनता के बीच में जा रहे हैं, और भारी समर्थन जनता का इस बात को मिल रहा है कि जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, और जिस तरह का मैंडेट उन्होंने लोकसभा में दिया था, हम लोगों को ये पूरा यकीन है कि इस बार इस 9 जो इलेक्शन बाई इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। इसी उपचुनाव में कई बयान आए हैं, बटेंगे तो कटेंगे, क्या कुछ सोचते हैं इन बयानों को? देखिए, ये बयान जो भी हैं वो पॉलिटिकली बयान है, सब तरफ से आते हैं, तो चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए कि कौन सा बयान ठीक है, कौन सा गलत है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता है, तो चुनाव आचार संहिता के बाद वो तो पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से बयान दिए जाते हैं, लेकिन इसका संज्ञान कुछ चुनाव आयोग को लेना चाहिए कि कौन सा बयान सही है, कौन गलत है। लगातार अगर बात करें तो मुसलमानों को लेकर कई बयान ऐसे आए हैं, उस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ स्टैंड है कमल? देखिए, मेरा जहाँ तक सवाल है, हर पार्टी की अपनी एक नीति, अपनी एक सिद्धांत है, अपनी एक विचारधारा है, और उसी नीति, सिद्धांत और विचारधारा को लेके लोग अपने बयान देते हैं और उसको काम करते हैं, तो जो भी बयान है उसी के मद्देनजर आ रहा है, जिसकी जो जैसी सोच है वो उसी तरह का बयान दे रहा है। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कमल अख्तर से बात की है, जिनके द्वारा यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।